हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा द मायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको डॉक्टर वैद्य न्यू एज आयुर्वेद ब्रांड के डायबैक्स पिल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये पिल आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देती है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज इन सब के बारे में। तो गाइस अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आप डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के अपन बात कर लेते हैं डायबैक्स पिल के बारे में। डायबैक्स रक्त ग्लूकोज लेवल के विनियमन का समर्थन करने के लिए एक पूरी तरीके से प्राकृतिक फॉर्मुलेशन है। प्रत्येक डायबैक्स पिल में कलेजरी, मेथी, करला और जैतामाद से हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं। अन्य जड़ी बूटियों के साथ रक्त ग्लूकोज विनियमन के सिद्ध प्रभाव होते हैं। उच्च रक्त शर्करा के मरीजों के लिए अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ जब कुछ जीवन शैली में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि स्टार्च, खाद्य पदार्थ और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से बचने, अतिरिक्त वजन कम करना, अन्य नियमित व्यायाम करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप डेली व्यायाम करें, चाहे 5 मिनट का टाइम हो चाहे आधे घंटे का, पर व्यायाम तो डेली ही करना चाहिए। बहुत ही अच्छा गाइज ये पिल है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में काली जीरी, मेथी, करेला और कद्दू, कारियाटू, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपके ग्लूकोज लेवल है उसे, शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करते हैं और आपके इंसुलिन को भी नॉर्मल रखने में मदद करते हैं और किडनी और हार्ट को भी हेल्थी बनाए रखने का काम करता है। इसका जो खुराक है, भोजन से पहले एक गोली लेनी है, नाश्ते से पहले आपको एक गोली लेनी है, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें गाइस कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए गाइस इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना करें, ना ही इसे ओवर डोजेज लें। और गाइज अगर आप प्रेगनेंसी अवस्था में हैं तब तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे कि जो टेबलेट है वो डायबिटीज वाले पेशेंटों के लिए बनाई गई है, मैन्युफैक्चर की गई है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। प्राइस की बात करें तो 30 पिल्स आपको 224 रुपए में मिलेंगी, जिसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे गाइस आप इसको वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसको वहीं से परचेज करें, और हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मेंशन किया हुआ है उसे आप वहां से भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। पर याद रखें गाइस, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करिए तो सबसे पहले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस प्रोडक्ट को बिना देके ही खरीद ले आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। क्यों? ये गाइस आपकी लापरवाही के कारण होता है, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक ही नहीं करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा अगर वो एक्सपायरी प्रोडक्ट होगा तो। इसीलिए गाइस अपने एकदम जीवन शैली में एकदम याद कर ले, एकदम आदत डाल ले कि हाँ हमें कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है एक्सपायरी डेट तो चेक करनी ही करनी है, और कोई भी दवाई या टेबलेट का इस्तेमाल करें तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना करें, ना ही ओवरडोसेस लें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे, और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइज अगर आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।